देखिए अपना खाना भी रेडी हो गया। बाकी खाना खाते हैं, लंगड़ी की सब्जी है, लाल मिर्च भुनी हुई और चावल, और इस खूबसूरत से मौसम में। आगे देखो अपना गांव। अब बैठिए। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अभी सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और आज का हमारा प्लान है कि हमारे दूसरे वाले घर पे जाने का, मतलब यहाँ से और बौसार, ये कांडा हो गया और हमें जाना है बौसार। बीच में रांची पड़ता है, उसके बाद बौसार, मतलब तीनों रांची के पार्ट है। मेन रांची है ग्राम सभा हमारी, बट दो अलग अलग घर हैं, मतलब एक यहाँ है एक ऊपर है। तो ऊपर तो अब रहते हैं नहीं, रहते यही हैं। बाकी वहाँ ना हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ गाय को ले जाते हैं। तो आज वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ हमने बोना है रामदाना। और वैसे वहाँ के खेत तो पूरे खंडर टाइप के हो रखे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुदाल चलाएंगे और थोड़ा सा सही करना पड़ेगा वहाँ। तो बाकी वहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो वैसे तो पूरे ऊपर का जितना भी हमारा घर है ना, वो पूरा फॉरेस्ट मार्क है, लेकिन दो तीन खेत ऐसे हैं कि जो फॉरेस्ट से, मतलब जो फॉरेस्ट में नहीं है। तो वहाँ हम लोग कुछ बोने वाले हैं आज, कुछ सब्जियाँ बोएंगे और रामदाना के बीज वहाँ बोएंगे। तो आज वही काम के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत मस्त होने वाली है और ट्रेक होने वाला है, मतलब लगभग आधा एक किलोमीटर का ट्रेक, ऊपर सीधा चढ़ाई चढ़ाई है। तो चलते हैं। तो ये देखो अपना एक छोटा सा मोहल्ला यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर बीच में रांसी गांव है। और पता है मुझे कहाँ जाना है? यहाँ आगे, यहाँ जहाँ की ये घर दिखाई दे रहे हैं, ये देखो आप इस जगह, तो यहाँ जाना है मुझे। तो अब 19 मई को ना मधमेश्वर के कपाट भी खुलने वाले हैं। तो रोड की कंडीशन देख सकते हो आप, बहुत ही मस्त हो रही है आजकल, मतलब जो गड्ढे हैं वो भरे जा रहे हैं और ये वाली पेंटिंग की जा रही है आजकल रोडों में। तो ये देख के तो भाई काफी अच्छा लग रहा है, अपने यहाँ बहुत टाइम बाद पेंटिंग हो रही है। शायद ये दूसरे टाइम है, तो दूसरे टाइम ये पेंटिंग हो रही है जब से रोड बनी है। तो अभी गांव को भी क्रॉस कर दिया और ठीक पीछे देखो धुआं जल रहा है ना, तो लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं और जो कूड़ा करकट हो गया उसको जला रहे हैं। तो यहाँ ठीक पीछे पर कुलतार को गर्म किया जा रहा है, ये आवाज सुनाई दे रही है आपको। तो अभी रोड की पेंटिंग के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है, बाकी चलते हैं जल्दी जल्दी भाई। तो यहाँ देखो रोड के ऊपर कैसे लैंडस्लाइड हो रखी है, ये देखो ऊपर, और पूरे पत्थर ना छटकने के लिए हो रखे हैं, ये देखो आप। तो यहाँ पे आना है तो भाई तेज भाग के आना है सीधे। इस जगह पर से अपना रूट है ऊपर वाला, और ये रूट है मधमेश्वर बाबा के लिए आगे, मतलब यहाँ से लगभग आधा एक किलोमीटर तक रोड है और अभी कट रही है वैसे, और बाकी मुझे जाना है यहाँ से ऊपर। तो दो तीन हफ्ते में ना लगभग एक बार तो प्लान बनता ही है ऊपर वाले घर में जाने का। अब वो इसलिए क्योंकि ना बचपन की यादें सारी वहीं से हैं, जो हमने बचपन अपना जिया है वो उसी घर में रहे हैं हम लोग। और फिर ऐसा होता है ना कि वो अगर तुमने कोई नई जगह भी ले ली तो उस जगह जाने का मन करता ही करता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के सबसे अच्छे पल वहीं रहते हैं। तो मेरी लाइफ के तो सबसे बेस्ट मोमेंट वहीं रहे हैं, क्योंकि बचपन अपना वहीं गुजरा है लगभग, और वहाँ जाने का भाई मन करता ही करता है, चाहे वो फॉरेस्ट में हो, लेकिन ऐसा होता है कि जाने का मन बहुत करता है वहाँ। एक दो वहाँ खेत ऐसे थे ना कि जो फॉरेस्ट में नहीं आ रखे हैं, तो उनको ऐसा है कि करने का इस बार ऐसा सोचा है कि करते हैं, क्योंकि खाली छोड़ना भी बेकार है। इससे पहले सब चीज वही था हमारा, मतलब नीचे वाले घर में जहाँ हम अभी रहते हैं वहाँ उतना नहीं था, भले था लेकिन करते कम थे। लेकिन अब ऐसा है कि ऊपर फॉरेस्ट में आने के बाद तो ऐसा हो गया कि नीचे करना पड़ता है सब चीज, बाकी सब सही है। बट यहाँ ऐसा है कि यहाँ पैदल है लगभग, ऊपर पूरी चढ़ाई चढ़ाई है। तो काफी ऊपर चढ़ने के बाद गांव देखो ऐसा दिखाई देता है यहाँ ऊपर से, और यहाँ ऊपर से तो भाई नीचे का व्यू बहुत ही प्यार रहता है। बाकी थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पे इस जगह का पहला मकान है, ये देखो आप, और इस जगह का नाम हुआ कुआ, और ऐसी लोकेशन है यहाँ पे, और नीचे से सबसे नजदीक भी। तो यहाँ पे आओ
और यहाँ भी लोगों की गाय रहती है और इतनी खेती करके यहाँ पीछे देखो आप। और साथ में एक और अच्छी चीज हुई है यहाँ की, यहाँ रास्ता अच्छा बनाया है। और वो पता है कब से बनाया है? वो भी इसी बारी बनाया है रास्ता। और हमने बचपन से यहाँ पे एक खंडर टाइप का देखा था, एक छोटा सा ऐसा, इधर से ही पत्थर इधर से पत्थर और छोटा सा था जाने के लिए खाली। तो अब यहाँ पे मस्त खचरों के लिए बन गया और गाय भैंसों के लिए मस्त रास्ता बन गया फिलहाल। और साथ में ये वाली जगह देखो आप। तो जैसे ही हम स्कूल से आते थे ना छोटे में, तो यहाँ पर बारिश से बचने के लिए बेस्ट जगह ये कि इसके नीचे आ जाओ यहाँ पे ऐसे। और बस तो अब ऐसा होता है कि कभी कभी पता नहीं रहता है कि मतलब सुबह शाम के टाइम पे बारिश हो, और हो भी जाती है। अभी मौसम साफ है ना, तो शाम के टाइम पे बारिश लग जाती है। तो स्कूल से जब हम आते थे तो बारिश लगना स्टार्ट हो गई, तो भाग के आए और यहाँ पे बैठ गए। तो जब तक बारिश रुकी नहीं तब तक बैठे रही यहाँ पे, और यहाँ पे आग भी जला देते हम लोग। एम इस पत्थर के इस साइड भी है और यहाँ ऊपर देख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी ना मधुमक्खी के छत्ते रहते लग रखे बहुत बड़े बड़े, और उस टाइम पे तो हम लोग डरते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर एक भी मधुमक्खी ने काट दिया ना तो इतना बड़ा हो जाता था। और शाम के टाइम पे तो इस जगह पे चलने में ना भाई डर लगता है, क्योंकि ये यहाँ ऐसा है कि यहाँ बीच में जंगल है और नीचे भी खुला है ऊपर भी खुला है, तो यहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा टाइप का हो जाता है, तो यहाँ पे डर भी लगती है। बाकी यहीं पे पानी निकलता है, यहाँ देखो आप यहाँ ऊपर, और बरसात के टाइम पे तो इतना ज्यादा पानी रहता है ना यहाँ पे। यहाँ पे देखो चाची लोगों ने लगा रखा है सेब का पेड़, और इस पे छोटे छोटे सेब लगना शुरू हो गए। बाकी ये पहला घर है चाची लोगों का। और तो यहाँ पर है दूसरा घर, और ये भी बाबा लोगों का घर है यहाँ पे नीचे पे, और यहाँ से हमारा घर और ऊपर है। तो यहाँ ऊपर से नीचे का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। और हमारा मोहल्ला पता है कहाँ पे है? ये वाला देखो आप, ये है कांडा मोहल्ला। और यहाँ से आए हूँ भाई, ये चढ़ के, ये पहाड़ चढ़ के यहाँ ऊपर पे, और यहाँ ऊपर पे एक और घर है, ये भी बुआ लोगों का घर है, और इसके ऊपर यहाँ पे हमारा घर ये वाला। तो यहाँ पे जाना है हमने। तो हमारे इस जगह का लास्ट सेकेंड घर यहाँ पे चाचा लोगों का घर है, और इसके बाद आता है हमारा घर यहाँ ऊपर में, ये देखो आप। तो सबसे ऊपर घर था हमारा। तो अब ऐसा होता है ना कि और जाते सब स्कूल के, मतलब ऐसा था ना कि स्कूल सब लोग साथ जाते थे, पहले वहाँ ऊपर से यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक दो थे, और फिर यहाँ से क्या होता है कि आगे भी लोग रहते हैं, मतलब उस साइड तो ज़्यादा ही लोग रहते हैं, वहाँ से बच्चे नीचे पे आते थे और यहाँ से भी सब लोग नीचे पे आते थे, और फिर यहाँ से साथ साथ स्कूल जाते थे हम। ऐसी कुछ लोकेशन है यहाँ की, और यहाँ ऊपर पे अपना घर, और नीचे देखो आप जहाँ जहाँ ये धुआं जल रहा है ना, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सफाई कर रहे हैं पूरे खेतों की ढंग से, और जो भी कूड़ा करकट हुआ है उसको जला रहे हैं एक जॉब है। और फिर यहाँ पे क्या करना है कि पूरा कुदाल से खोदना है पूरा अच्छे ढंग से, ताकि रामदाना हो सके, रामदाना के बीज ही यहाँ बोए जाएंगे, और साथ में राजमा के। तो थोड़ा बहुत नीचे की साइड, घर के नीचे की साइड जितना भी है ना बचा हुआ वहाँ करें। और मम्मी लोग तो मेरे से थोड़ा सा पहले ही आ गए थे, तो वो लोग जल्दी काम पे लग गए। बाकी मेरा काम है जो बिच्छू घास लगी हुई है ना उसको काटना है। तो यहाँ पे ये देखो, ये है फॉरेस्ट का, और यहाँ पे आगे पे अपना मकान, और यहाँ पे ये गौशाला है, यहाँ हमारे गाय रहते हैं, और यहाँ पे दादी लोगों का घर। तो जब तक मैं यहाँ पे आया ना, मम्मी लोगों ने देखो ये वाला खेत कंप्लीट किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, और ये नीचे वाले दो खेत भी किए हैं, और जो जो मतलब कूड़ा रहा है ना तो उसको देखो जला भी रहे हैं यहाँ पे, ये देखो आप। और साथ में मदद के लिए आई थी यहाँ पे अपनी छोटी बहन करिश्मा हो गई, और अभी आ रही है चाची जी भी। तो इतना धुआं हो रहा है ना यहाँ पे, और अभी मदद के लिए आई है छोटी बहन करिश्मा हो गई और चाची जी। तो और शर्मा भी रही है बहुत ज्यादा। तो मम्मी लोग तो घर के पीछे ना कुदाल लगा रहे हैं खेतों में। मेरा काम है कि जो ये बिच्छू घास है ना इसको काटना है। यहाँ पे तो आगे मैंने काट दिया, यहाँ की तो ये काट दिया, और इस साइड भी काटनी है यहाँ भी, क्योंकि बाद में इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो इसलिए अभी काटना चाहिए।
तो फाइनली दो जगहों की कंडाली मैंने काट दिया, बिच्छू घास काट दिया है और वो काटे इस दरांती से, और एक दो तो भाई हाथ में ना यहाँ पे लग भी गई है। यहाँ पे बिच्छू घास तो काट देता है सीधे। तो अभी तो वो सब लगे हैं काम करने पे यहाँ ऊपर पे, और मुझे बनाना है खाना, तो बाकी खाना वाना बनाते हैं। और अभी मैंने लंगड़े की सब्जी बना दी है, तो यहाँ पे देखो लंगड़े की सब्जी तैयार हो गई है और मिर्च भी लगभग तैयार कर दिया, और बाकी दाल बनने की तैयारी। अब तो खाना बनके भी रेडी हो गया है और अब खाना खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल रेडी है और हमारी लंगड़े की सब्जी भी रेडी है, और यहाँ पे लाल मिर्च भुनी हुई, और ये देखो चावल भी रख दिए। बाकी अब खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। खाना भी रेडी हो गया, बाकी खाना खाते हैं। लंगड़े की सब्जी है, लाल मिर्च भुनी हुई और चावल, और इस खूबसूरत से मौसम में आगे देखो अपना गांव हो गया और ये खाना। तो तब तक तो मैं खाना खाता हूँ भाई, अब भूख भी लग गई है और अभी थोड़ा बहुत काम करने के बाद तो भूख लग ही जाती है, तो बाकी खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो फाइनली खाना ओवर हो गया मेरा और अब यहाँ से घर जाने की तैयारी शुरू हो गई और पेट भी फूल हो गया है, तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ नीचे पे रेस्ट करूंगा मैं चाचा लोगों के यहाँ पे। तो खाना खाने के बाद मस्त सो गए थे हम लोग, और अभी पता कितना टाइम हो रहा है 5:30, और अब मुझे यहाँ से रहा से जाना है, और मेरे साथ साथ में चाचा जी भी जा रहे हैं, तो इन्हीं के यहाँ पे आराम से रेस्ट कर लिया था मैंने, और पता ही नहीं चला दोपहर का पता। और यहाँ पर तो भाई यहाँ तो ना ठंडा है ना गर्म है, मस्त हवा चलती रहती है और उसी में भाई मजा आ जाता है। तो इस वाले घर में ना चाचा की छोटी लड़की और की है, और बहुत ही क्यूट है, छोटे लड़के क्यूट होते हैं ना बहुत। तो बाकी चलते हैं भाई, एक बंदा वेट कर रहा है नीचे पे।